हेलो स्टूडेंट बेटा, की आयो? खुश आयो? अच्छा, इंटर फिजिक्स में लास्ट टाइम तां सिंपल इंट्रोडक्शन कयो, पर अज पाण बाकायदे तौर ते डेफिनेशन डिस्कस कंदासीं हीट आहे छा, ठीक आहे न? अच्छा ॿुधो, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट? इन खे पाण थोरो डिस्कस कयूं था, इन खे पाण डिस्कस कंदासीं। अच्छा, क्लासिकल आइडिया जेको हुयो तव्हांखे लास्ट लेक्चर में ॿुधायो हो, तांके क्लियर किया का बुदायोगा व्हाट वाज द क्लासिकल आईडिया ऑफ हीट। पुराने जमाने में हीट के चार कंदा हुआ, देखो बुनियादी कांसेप्ट तो पुराने जमाने में वो ही हो, द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इन के हीट कंदा हुआ, या वही ये भी कंदा हुआ द एनर्जी contained in the body, ये भी चाहता हुआ, या भाई ये भी चाहता हुआ the weightless fluid in a body, the weightless fluid in a body का हुआ, और ही सब बुनियादी कॉन्सेप्ट हुआ ही यानी कि पुराने जमाने में इस्तेमाल करना हुआ मानो। अच्छा, हाँ, इन गाल के चैलेंज कयो वियो, या इन गाल के अगया भी चैलेंज कयो पे साइंटिस्ट जें जो नालो हो काउंट ड्रमफोर्ड। त बुधो, ही जेको बुनियादी कांसेप्ट आ इंटरनल एनर्जी आए का ताके लास्ट लेक्चर में बुधायो आ, अन ही जेको नजरियो या ही जेको कांसेप्ट आ इयो चैलेंज कयो वियो पे साइंटिस्ट के तरफा, एंड इट वाज चैलेंज्ड बाय अ साइंटिस्ट काउंट ड्रमफोर्ड। केरो साइंटिस्ट बाबा? काउंट ड्रमफोर्ड चैलेंज। अच्छा, हिन यो चयो त अकॉर्डिंग टू काउंट ड्रमफोर्ड, हिन चयो कि या एनर्जी जेका कंटेन हुंदी आहे या हीट ना आहे, भला पुछा आहे हुन ते ॻाल्हाईंदा। अच्छा, कहिड़नि बेसिस जे या कहिड़नि बुनियादनि ते इहा ॻाल्हि कई त इहा हीट ना आहे, त न को एक्सपेरिमेंट कयो, ठीकु आहे? हाणे एक्सपेरिमेंट कहिड़ो कयो तव्हांखे मां थोरो सम्झायां थो, तव्हां थोरो ध्यानु ॾियो। फॉर एग्जाम्पल, ही हिकिड़ो का पर्टिकुलर ईअं सम्झो त दीवार आहे, फॉर एग्जाम्पल हिकिड़ी दीवार करणु, ठीकु आहे? दैट इज वॉट यू से वॉल ऑफ वॉल आई मीन। अच्छा, हिन दीवार ते हिन छा कयो? हिकिड़ी ड्रिल मशीन खईं, ड्रिल मशीन हिकिड़ी खईं, थोरो ध्यानु ॾियो हुननि खे। अच्छा, ड्रिल मशीन सां हिन छा कयो? हिन में ड्रिलिंग कई, ठीकु आहे? हाणे ड्रिल करण सां थियो छा दीवार ॻाल्हायूं था। बहरहाल, हिन साइंटिस्ट छा कयो? ही ड्रिल मशीन हिकिड़ी आहे, हिन ड्रिल मशीन सां हिन छा कयो? हिन में हिकिड़ो सोरा कयो हीड लाइ, ऐं हिते ड्रिलिंग कई। अच्छा, ड्रिलिंग जो कई त उन मां हिनखे ख़बर पई त जेका नीडल आहे या जेका पिन आहे या जंहिंखे पाण चऊं था नीडल आहे आमतौर ते, इहा गरम थी वई। माना जीअं पाण ड्रिलिंग कयूं न त ड्रिलिंग करण सां छा थियो, इहा गरम थी वई। हाणे उन मां हिन नतीजो इहो कढियो त ही गरम हुजे करे थी, छाकाणि त हिन में कान का हीट आई आहे या हिन जो टेम्परेचर वधियो आहे या हिन में कान का एनर्जी आई आहे। ऐं त पोइ जनरली पाण इहा ॻाल्हि कयूं था त ही गरम त न थियो जॾहिं अवां तुणको कमु कयो, अवां जॾहिं तुणको वर्कडन कयो। अच्छा, उते ते वर्कडन जो मतिलबु इहो आहे त ड्रिलिंग करण जो सिंपली मतिलबु इहो आहे त अवां एनर्जी ॾिनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली त हुनखे उहो गोल गोल घुमियो अंदरि, त हुन सां छा थियो? काइनेटिक एनर्जी मिली, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जे करे पाण सिंपली चऊं था, या अवां जी एनर्जी बि ज़ाया थी, अवां जे तरफ़ां एनर्जी बि जल्दी घटि थी आहे, एनर्जी यूज़ थी जेका इस्तेमाल थी वई इन द फॉर्म ऑफ हीट। त हिन चयो त इहा जेका गर्म थी वई आहे, इहा जेका हीट पैदा थी आहे, इहा असल में उनजे करे थी छाकाणि त तव्हां वर्क डन कयो आहे, या अवां जी ॾिनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर थी आहे, इहो ड्रिल तॾहिं गर्म थी वई। हलो हिकिड़ो ॿियो मिसाल, मिसाल तौरु हैमरिंग जॾहिं कबी आहे, नाणे हैमर आहे फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, जॾहिं पाण हैमरिंग कयूं था, हीअं हणूं था न, त हैमर या हथौड़ो जेको हूंदो आहे इहो गर्म थी वञे थो, छो? छाकाणि त जॾहिं ॿ सर्फेसिस पाण में कॉन्टेक्ट थियनि था त फ्रिक्शन प्रोड्यूस थिए थी, ऐं बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन वी कैन सी हीट इज प्रोड्यूस। हिते बि छा थी, अवां जी एनर्जी, अवां जो वर्क, अवां खे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ॾिनी त उहो वर्क डन छा पियो करे, हुते फ्रिक्शन प्रोड्यूस करे थो सर्फेस सां जॾहिं ड्रिलिंग थिए थी, ऐं नतीजे में पाण हिकिड़ी सिंपल ॻाल्हि करे सघूं था बाबा त हीट प्रोड्यूस थी। माना हीट तॾहिं पैदा थी जॾहिं का एनर्जी ट्रांसफर थी, या जॾहिं अवां जो वर्क डन ट्रांसफर थियो, त ईअं गरम कोन्हे को। छाकाणि त ड्रिलिंग में एनर्जी कंटेंट पहिरियां हुई, एनर्जी कंटेंट पहिरियां हुई त एतिरो गरम कोन हुयो,
पहले गरम करो सागी ड्रिलिंग मशीन आ जदे असा वर्क डन कयो ता पे हाने गरम थियो इन जो मतलब यो थियो कि में कान का एडिशनल एनर्जी आई आ जे दे करे गरम थियो तो इन बेस पे ने गाल कही तो एनर्जी कंटेंट इज नॉट हीट दैट इज नॉट हीट एक्चुअली अच्छा ओ मानु जो ना गाल बुध जेकने या हीट ना है तो बड़ा छा है तन गाल भी नहीं दैट इज द इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी जरूर पर या हीट माने तो नंदी की गाल बुध अकॉर्डिंग टू काम फ्रॉम फोर्ड आने नंदी की गाल अकॉर्डिंग टू काम फ्रॉम फोर्ड ये मुताबिक द हीट इज नॉट द एनर्जी कंटेंट इन अ बॉडी हीट वो एनर्जी कोने जगह मौजूद है भला कुछ है जेका एनर्जी कंटेंट आ वो अच्छा है इंटरनल एनर्जी देन या बात गई एडिशनली द एनर्जी कंटेंट इन अ बॉडी इट इज इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी जरूर आ पर या हीट कोने को चकन जे कने हीट हो जिया त या जेका ड्रिलिंग मशीन आ गरम दिया गरम कोने पर इन जो मतलब यो जने वर्क डन थियो आ का एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ इक्वल में ऐड थियो जे करे ही गरम थियो जे करे इन के पान चोंदा त कान का हीट ना कर थियो सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय दिस दिस काम फ्रॉम फॉर वी कैन से ए बगोर इन एक्सपेरिमेंट पान गाल कंदा थी या मानो तो यार गाल बुध जे ता डिनाई ता कयो तो भला ता बुधायो की चाहिए जा तो अगेन ही करे प्रोबियो साइंटिस्ट हो जे जो नालो हो जूल उन जूल नाले साइंटिस्ट असा के हीट की डेफिनेशन बाद में बुधाई या हीट की डेफिनेशन असा के क्लियर हाने जूल चयो था इन दे पान थोड़ो डिस्कस करना था जूल जूल गाल करियो थोड़ो इन दे पान गाल करना थी थोड़ो ध्यान दे जो तो अकॉर्डिंग टू जूल हाने तुका पान इन गाप पे आई मेहरबानी करे पुत्र हाने वाली गाल ता के समझनी पौदी ठीक है अच्छा थोड़ो ध्यान दे मा जूल जो गाल समझायो पर एको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दे दे अच्छा मिसाल तो पानी की जनरली गाल लगे तो जेका जूल गाल कई ओआ करे हिसाब सा कई थोड़ो ध्यान दे ही आए एकरो कंटेनर ठीक है इन कंटेनर में एकरो सब्सटेंस मौजूद आ सॉलिड आ लिक्विड आ गैस आ जे होगी तो डेफिनेटली असा गाल कंदा सी उन जे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी उन जे मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी होगी आई पान पढ़ियो आवाज है लास्ट टाइम या गाल वादे तरीके संभव अपन पढ़ी बैठा हूं द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी है ना मतलब यो थियो त हन जे अंदर कान का इंटरनल एनर्जी मौजूद आ एकड़ो मिसाल वठो तो यो आई टेन लागनी ना या टेन जूल जे पर 10 जूल कान का अमाउंट ऑफ एनर्जी जे कहे में कंटेनर थे में नियर मौजूद है हां सागी तरीके सा वरी एकड़ो बे बताओ एकड़ो बियो कंटेनर कान का कंटेनर बी अच्छा कंटेनर बी आ जे जी तो सागी स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल को जे होगा तो डेफिनेटली सम एनर्जी कंटेन इनसाइड एज वेल इन अंदर का कंटेंट आए एनर्जी एंड ऐसा जो पान चाहूंगा ई आई एनर्जी आ ई टू आई फॉर एग्जांपल पान चाहूंगा या ई टू जे का अमाउंट ऑफ एनर्जी आ वो मुझे बहुत डालो दो मुझे कहो वो ऑब्जेक्ट है बिनी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी मुतलबा एकड़े की 10 आ बेनी 20 आ अच्छा ने एकड़ी गल ता के पुट ध्यान में बैठ ही कोनी केड़ी तो उआ बॉडी जे में इंटरनल एनर्जी जाम हो जे ज्यादा हो जे उन जो नालो पान रखना थी हॉट बॉडी माने क्या एनी बॉडी व्हिच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एज हॉट बॉडी ए उआ बॉडी जे का घट इंटरनल एनर्जी रखे थी उन के पान का जे वाला थी दैट इज अ कोल्ड बॉडी हेलो अरे जूल को एक्सपेरिमेंट केड़ो ब मुख्तलिफ इन सब्सटेंस है ब मुख्तलिफ कंटेनर है इन अग्नि में अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी अलग अलग हो पूर्ण जागे हो इन अन्न बिनी के एक बेजे पर रहते हो अच्छा तो है ना बिचो तो कुछ एनर्जी के काय हुआ ट्रांसफर थी हुई क्या कर लेगी हॉट बॉडी अभी बोल रहा अच्छा ट्रांसफर की करे सकते हैं कि उन जिला माता की पॉसिबिलिटी भी गलत है जो अब आ इन्हें के बाकी के तौर पे वेजो रखो फिजिकली कांटेक्ट में रखो तजी हिप्री बॉडी मा बी बॉडी ना एनर्जी वनी सके यो तले मुमकिन ना जने कंटेनर जो जेके वॉल सा हुए कंडक्टिंग हो जन इंसुलेटिंग ना हो जन तो वो चांस होती सके या वाला मिनी के पान में मिक्स कयो ये पान गरम है तो पानी मिक्स था के
तो बाबा चवण जो मकसद है ट्रांसफर ऑफ करंट जा मोड नहीं है तरीका जाम है पर बहरहाल आऊं ये सारी गाल पे आया तो इन बिनी के न एक बे जे वे जो रखियो नतीजे का देखो एनर्जी जो कुछ अमाउंट हार्ड बॉडी मा कोल्ड बॉडी ना ट्रांसफर या एनर्जी के का ट्रांसफर थी वो कितनी की नहीं होते मान लेगा तो ये की का बात करना जो व्हेन हार्ट बॉडी इज प्लेस्ड नियर या इन कांटेक्ट टू कोल्ड बॉडी सब पूछा थे वो देन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एनर्जी ट्रांसफर की गई अच्छा ये का ट्रांसफर की नहीं केस तक नहीं चाहे ना ये शरीर के जाने नहीं नो अच्छा डी ने का ट्रांसफर की दिया ये ट्रांसफर की दिया इट इज ट्रांसफर्ड ही एनर्जी का ट्रांसफर की दिया या की दिया टिल द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम माना थर्मल इक्विलिब्रियम की हद तक ये ट्रांसफर की हां अब उत्तर है आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में पानी जो मिली जो की कटे से होगा और गाड़ी शादी में का बताया तो थोड़ा जाने हो थर्मल इक्विलिब्रियम कटन जो करी को करो थोड़ो इते ही का समझाया तो ध्यान दे अच्छा थर्मल इक्विलिब्रियम टाइम लेके ट्रांसफर करा अच्छा थर्मल इक्विलिब्रियम की करवा बिनी इंटरनल एनर्जी जो ता एवरेज करो क्या कहूं बिनी इंटरनल एनर्जी जो ता एवरेज करो अलोने इतनी इंटरनल एनर्जी नहीं हुई 10 बी इंटरनल एनर्जी गणी आप 20 एवरेज को माने डिवाइडेड बाय 2 तो इट वुड बी 30 अपॉन 2 माने हमने पुट 15 जूल अमा के बिनी जो एवरेज मिलो तब वो दिया का ध्यान रखो वो कंटेनर जे में पेरिया इंटरनल एनर्जी केतरी हुई पर ये पई जा पई एनर्जी ट्रांसफर में इन्वॉल्व किया केस टाइम जेस टाइम की जो थर्मल इक्विलिब्रियम ना होवे इन जो मतलब है जो थर्मल इक्विलिब्रियम जिते इंटरनल एनर्जी होती है नहीं माना थर्मल इक्विलिब्रियम के ए ए बी में एनर्जी बचे नहीं तो डालो सिंपल आप बिनी जो ता इक्विलिब्रियम या बिनी जो एवरेज कर दो ताकि अंदाजा दे दो हेलो इनमें एग्जैक्टली या साकी 15 जूल थी इनमें एग्जैक्टली या साकी 15 बाबा मुझे गाल दो इनमें पेरिया हुई नहीं इवन मैं ए2 पेरिया इवन हुई कितनी जो 15 थी अच्छा पेरिया हुई 10 का अच्छा हिन जी पेरिया खड़ी हुई जो 15 थी 20 हां मुझे ना फर्क बुझायो त ही जेका कोल्ड बॉडी आ इन एनर्जी गेन गई ठीक है अच्छा हॉट बॉडी जेका है उन छा कयो एनर्जी लॉस गई एंड डू रिमेंबर हीट लॉस या एनर्जी लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी गेन लॉस होना जरूरी हो गया पहले हुई गणित को वेयर अच्छा हॉट बॉडी लॉस गई पहले गणित हुई 20 आने बचे गणित 15 घणो फर्क है तो 5 जूल जो देखो यो 5 जूल हुआ एनर्जी आ जेका इया समझो द लॉस थी अलोने ना कोल्ड ना ओके घणी हुई पहले उठने के 10 थी घणी बाबा 15 गेन की लॉस थी वदी घटी वदी वदी माने जा गेन थी घणा जूल गेन थी आ एनर्जी परीक्षा की गलत थी 5 जूल इन जो मतलब आए द 5 जूल ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट बाय कोल्ड बॉडी and is equal to that amount of energy gained by the cold body ye what i cold body inke matlab energy transfer hai aur wo energy jo ka transfer diya asar mein heat diya hai bacol joule de joule gal kahi to hite je ka heat wo energy jo ka transfer thi and jo transfer amount of energy ban jaye to concept ki gal karna thi heat je ka badla ho jaye to according to you जूल के मुताबिक हीट आए था व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हीट काउंट फ्रॉम कयो द एनर्जी कंटेंट हीट ना है जूल जो बिल्कुल सही है भला को मानन के ला हाल बोलो भला को छा है व्हाट इज हीट देन द अकॉर्डिंग टू जूल वी कैन से जूल या गाल गई द हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट वाय एनर्जी आ जेका व्हिच इज ट्रांसफर from a body mana hot body mana from a body at high temperature hot body mana jab
टेम्परेचर बढ़ेगा। टू एन अदर बॉडी एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर माना क्या कोल्ड बॉडी, लो टेम्परेचर पान थकड़ी बॉडी के जाना है हम कोल्ड बॉडी के जाना है, हॉट बॉडी कहाँ जाके जाना हो जे जो टेम्परेचर हाई। तो दैट वाज सिंपल एग्जांपल। एनर्जी कंटेंट इज नॉट हीट बट एनर्जी व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड। इनके मतलब ये जो द रिट्रोवेव केबल पार्ट का सो ध्यान दो, जे कने पान जो द ए एंड बी आर एट सेम टेम्परेचर, थोड़ा ध्यान दो बाबा, जैसा तो पानी को बढ़ूंगा, ये कंटेनर ए या इन कंटेनर में सब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और उतनी एनर्जी को भी ए आई फॉर एग्जांपल पान करूंगा 15। अच्छा करो जो कंटेनर आप बी, ठीक है, अच्छा बी कंटेनर में भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को भी ना होगा दैट इज अगेन वी कैन से 15। हां कोई काम बताओ तो हिते की 15 है, हिते 15 भला आवा का पते बात है ये सब की आया हो सेकेंडरी बॉडी हाई टेंपरेचर वाली जन कबे, मतलब सेकेंडरी बॉडी की इंटरनल एनर्जी वधिक जन कबे एंड बी कोल्ड जन कबे, माने हम इंटरनल एनर्जी घट जन कबे एंड कोई ट्रांसफर नहीं। अरे हिते की अंदर दिनी जो आइडेंटिकल टेंपरेचर बिलीजी आइडेंटिकल इंटरनल एनर्जी आ तब वो कॉन्सेप्ट की बात करा सी ट्रांसफर का एनर्जी थी वी कौन इनके मतलब यो थयो तो जेका हीट आ। हालांकि बिनी में इंटरनल एनर्जी आहे पर कोई हीट कोने, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन बाय जू हीट हुआ एनर्जी आ जेका ट्रांसफर थे, जने ट्रांसफर थी नी तो हीट आहे, जेकर ट्रांसफर थे ही कौन थी माने हीट कोने, भला वो ही जेका मौजूद आयो साहब बाबा दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हीट की डेफिनेशन आने क्लियर थी, पुराने जमाने में मानो के छा चांदा हुआ जूल जेको तजुर्बो कयो इनके पाटे का मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट, तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट या अकॉर्डिंग टू जूल हीट वो एनर्जी है जेका एकड़े बॉडी का बी बॉडी ना ट्रांसफर थे दी एवं ट्रांसफर थेन के दौरान केतो अमाउंट ऑफ एनर्जी अचे तो या डिस्कसी ट्रांसफर जा मोड केड़ा है यो इंशाल्लाह पांजो कमिंग लेक्चर में हुंदो। सो हीट की डेफिनेशन हाने पाण वादे तौर ते क्लियर थे, ठीक है। सो आयसा आयसा ताके सब शी बुधाई सुनो जे करे असा हम बया क्या कम जे का नई एडमिशन या जे के नया स्टूडेंट्स जंदा ओए यूए के बंदा सब तो फिलहाल सुनो लो तजे असा टाइम पे पुजी सकूं तो थोड़ो असा पान सिंपली सुनो ये आई उन तरीके जाई है, ठीक है। सो अजे लाइ काफ़ी इनशाला कमिंग लेक्चर में इन कहानी के पान कंटिन्यू कहती इन में इलाही सारी शूं इलाही सारा पैरामीटर्स हैं जिसे पा डिस्कस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।